छिंदवाड़ा में 4 दिन से लापता 3 वर्षीय मासूम बच्ची का शव तालाब में मिला। बताया जा रहा है कि बच्ची के साथ आरोपी ने दुष्कर्म कर उसकी गला घोटकर हत्या कर दी थी और शव को बोरे में बंद कर तालाब में फेंक दिया था। अमरवाड़ा के ग्राम नेर जामुनिया में 3 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर शव को तालाब में फेंक दिया। पुलिस ने शक के आधार पर जब आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी रितेश ने बताया कि मासूम के साथ पहले उसने दुष्कर्म किया और फिर उसका गला घोटकर हत्या कर दी। उसके बाद अपने एक और रिश्तेदार धनपाल की मदद से बच्ची को प्लास्टिक की बोरी में बांधकर छोटा महादेव के तालाब में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। 17 जुलाई को एक सूचना थाना अमरवाड़ा में प्राप्त हुई थी कि एक लगभग 3.5 वर्ष की मासूम बच्ची अपने घर से कहीं अचानक गुम हो गई है। पुलिस ने इसमें तत्काल ही अपराध पंजीबद्ध किया था और मामले की विवेचना शुरू कर दी थी। बहुत ही सघन जांच चल रही थी इस बात की। बच्ची को लगभग 2 से 3 दिन तक नहीं ढूंढा जा सका था। पुलिस की अनेक टीमें लगातार घटनास्थल और उसके आसपास सर्चिंग अभियान कर रही थी। इसी दौरान कल माचागोरा डैम के बैकवाटर्स के पास एक छोटी बच्ची का शव एक बोरी में बंधा हुआ प्राप्त हुआ था। मामले की जांच निरंतर की गई और सघन विवेचना के बाद जो तथ्य सामने आए उसके अनुसार 2 व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनके द्वारा घटना के बारे में स्वीकारोक्ति करते हुए बताया भी गया है कि उनके द्वारा बच्ची के साथ बलात्कार करके और उसकी हत्या कर दी गई थी और उसके बाद उसको जहां पर वो शव प्राप्त हुआ है वहां तक फेंक दिया गया था। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।